नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, खसने नहीं है अब। जी तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो नौशेरवान पे शक करते करते दुआ को मिल गए हैं उसके वालदैन। नहीं सिर्फ माँ और बहनें, अपने घर वालों से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है। उसकी माँ उसे कहेगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि एक अच्छे इंसान ने तुमसे निकाह करके तुम्हें इज़्ज़त दे दी, लेकिन वो नहीं जानते कि दुआ तो किस मुसीबत में फंसी हुई है कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई है गजनवी के इर्द गिर्द तो कश्माला और फ़रा के साए मंडलाते हैं, और दुआ हर वक्त इस खौफ में रहती है कि किसी भी वक्त इन दोनों में से कोई भी गजनवी को दुआ से छीन लेगा। लेकिन एक मामला हो चुका है ख़राब। असलम ने देख लिया है फहमीदा को दुआ से मिलते हुए और वो फहमीदा को घर से निकालने की तैयारी में है। लेकिन अब की बार दुआ अपने बाप को इस जुल्म के लिए आज़ाद नहीं छोड़ेगी, बल्कि पुलिस और गार्ड लेकर उसके घर जा पहुँचेगी उससे इस जुल्म का जवाब लेने के लिए। तो असलम अपने बेटे की शान और दबदबे को देखकर हैरान रह जाएगा। गजनवी बहुत परेशान है क्योंकि वो जानता है कि दुआ को मुतमईन करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ उसको फरा ने भी अपने जंगल में फंसाया हुआ है। वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है कि गजनवी किसी तरह दुआ को छोड़ के उसे शादी कर ले। अब गजनवी सोच में पड़ चुका है कि आखिर इस फरा नामी मुसीबत से जान किस तरह छुड़वानी है, लेकिन फरा तो उसके सर चढ़ गई है और उसने अपनी नस काट ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।